साहब पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है, तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच के लिए बंगाल पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आसिफ रशीद को टीएमसी के गुंडों ने धमकी दी है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की जांच अब गृह मंत्रालय करेगा। ये साफ तौर पर गृह राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है। ममता बनर्जी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कर रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार बेनकाब हो रही है। ममता बनर्जी के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है और यही वजह है कि फिलहाल टीएमसी बौखलाई हुई है और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच में बाधा डालने की तमाम कोशिशें टीएमसी की ओर से की जा रही हैं। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने 18 जून को एनएचआरसी के अध्यक्ष को चुनाव के बाद जो हिंसा बंगाल में हुई है, उस हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए एक पैनल बनाने का निर्देश दिया गया था। और कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद एनएचआरसी ने इन घटनाओं के लिए जांच के लिए एक टीम गठित की थी और इस टीम के सदस्य आतिफ रशीद थे, जो कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और आपको बता दें, जाधवपुर वो पहुंचे थे, जो टीएमसी ने चुनावी जीत के बाद जहां सांप्रदायिक और राजनीतिक हिंसा की है और उस क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह उनके द्वारा किया गया है, उसकी जांच के लिए ही वो जाधवपुर पहुंचे थे। लेकिन जब आतिफ रशीद वहां की जमीनी हकीकत को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया। यहां तक कि जो सीआरपीएफ की तैनाती उनकी सुरक्षा के लिए की गई थी, उन्हें भी निशाना बनाया गया। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बंगाल हिंसा की जांच कर रही है और कोलकाता हाई कोर्ट ने 18 जून को जब ये आदेश दिया था, साफ तौर पर ममता बनर्जी से ये कहा गया था कि एनएचआरसी के काम में और जांच में बाधा टीएमसी ना बने, इसको लेकर राज्य सरकार एनएचआरसी को सहयोग करे। लेकिन तस्वीर इसके उलट ही नजर आ रही है। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची है, तो वहां इस तरीके से टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी वीडियोस हैं जो सामने आई हैं, जिसमें आतिफ रशीद को निशाना बनाया जा रहा है, सीआरपीएफ को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी वीडियो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाओं की और पुरुषों की भारी भीड़ है जो कि उन्हें धमकी दे रही है। वीडियो में आतिफ रशीद भीड़ से ये कहते हुए भी नजर आ रही हैं कि इस तरीके का व्यवहार वो नहीं कर सकते हैं। हालांकि भीड़ को देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहां लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों को फूंका जा रहा है। आपको बता दें, आतिफ रशीद जो कि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं और एनएचआरसी टीम का एक हिस्सा है, 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं, बंगाल हिंसा की जांच कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के गुंडे अब इस तरीके से उन्हें निशाना बना रहे हैं। वीडियो में उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो मेरे साथ घटना हुई है, तब स्थानीय पुलिस वहां से चुपचाप गायब हो गई, लेकिन अभी तक वो वहां थी, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के इन गुंडों ने उन्हें धमकियां देनी शुरू की, उन पर हमले की कोशिश की, वैसे ही वहां से पुलिस भी गायब हो गई। यानी पुलिस की मिलीभगत के चलते कि तमाम घटनाएं जो हैं पश्चिम बंगाल में सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस से लेकर डीएम तक वहां मौजूद नहीं है, वहां लगातार सीआरपीएफ और तमाम जो जांच के लिए टीमें
पहुंच रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें कहा है कि अगर हमारे साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है, अगर हमारी ही बात पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं सुन रही है, अगर हमारी ही सुरक्षा के लिए वो नहीं सामने आ रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आम नागरिक हैं, जो बंगाल में हिंसा के पीड़ित परिवार हैं, आखिर उनके साथ किस तरीके का सलूक वहां पश्चिम बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी के ये गुंडे कर रहे होंगे, टीएमसी की सरकार कर रही होगी। तो हमला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अब बोला क्या, जाहिर तौर पर जिस तरीके की घटना साथ में आई है, इस घटना की वीडियो साथ में आई है, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस के सामने सीआरपीएफ से भी कहीं ना कहीं उन्हें भी हमला करके भगाने की कोशिश की गई है। तो ये ममता बनर्जी का शासन है पश्चिम बंगाल में, जहां अपराधियों को लगातार संरक्षण मिल रहा है और अपराधियों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। तो साफ तौर पर बंगाल में जिस तरीके से एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। आतिफ रशीद ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वो अब कोलकाता हाईकोर्ट को ये वीडियो देखना चाहिए, ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि किस तरीके से जब एनएचआरसी की टीम को ही हमला उन पर किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो आम जनता आखिर किस तरीके से किस हालात में वहां अपना जीवन यापन कर रही होगी। तो सबूत के रूप में ये वीडियो कोलकाता हाईकोर्ट में काम आएगा, कि उनकी तरफ से वीडियो में कहा गया है बंगाल में आतंक का राज चल रहा है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से वीडियो में कही गई हैं और ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, उन्होंने ये भी दावा किया है कि दरअसल जादवपुर जहां का दौरा उन्होंने किया है और बंगाल हिंसा को लेकर वहां की हकीकत क्या है, इसे दिखाने की कोशिश कैमरे के जरिए की गई। तो आपको बता दें, आतिफ रशीद के द्वारा ये कहा गया है कि दरअसल 40 से ऐसे घर हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता के हैं, जिन्हें जला दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 महीने से बीजेपी कार्यकर्ता का जो ठिकाना है, वो किसी को पता नहीं है कि आखिर ये 40 जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर थे, इनमें जो लोग रह रहे थे, आखिर वो कहाँ हैं, वो किसी को मालूम नहीं है। तो जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात को भी साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उनके घरों को जलाया गया है, वो टीएमसी के गुंडों के द्वारा ही जलाया गया है। उन्होंने कहा है कि भीड़ उन्हें धमका रही है ताकि जले हुए जो घर हैं उन्हें रिकॉर्ड ना कर पाए। सच्चाई बंगाल की क्या है, किस तरीके से वहां टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी कर रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, इस सच्चाई को वो ना दिखा पाए, इसको लेकर तमाम तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच जो है उसमें बाधा डालने की तमाम कोशिशें की गई हैं। आतिफ रशीद, उनके द्वारा कई ट्वीट किए गए हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल सीआईएसएफ के जवानों के साथ मारपीट भी वहां जादवपुर में दंगाइयों ने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ की मौजूदगी में उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ये हाल है बंगाल का, अपनी मर्जी से वोट जिसने दिया है उनका ये हाल बंगाल में किया गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और आपको बता दें, नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने भी एनएचआरसी की टीम पर हुए इस हमले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब टीम वहां जांच के लिए पहुंचती है, तो इस तरीके से उन पर हमला किया गया है। 40 से ज्यादा घरों को एनएचआरसी की टीम ने नष्ट पाया है और गुंडों द्वारा ये हमला किया जा रहा है, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी कहा गया है। तो आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएचआरसी के राजीव जैन की अध्यक्षता में ये टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी। 3 दिन का ये दौरा, जिसमें आतिफ रशीद के साथ इस टीम में एक महिला आयोग की सदस्य भी थी, जो कि उनके साथ मौजूद थी, वीडियो में भी उन्हें देखा जा सकता है। और ये टीम लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच कर रही है, वहां जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनकी शिकायतें सुन रही है कि क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा है, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो टीएमसी के गुटों ने किया है, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई है, वहां आगजनी की गई है। इस हकीकत को ही कोलकाता हाईकोर्ट में रिपोर्ट
तैयार कर उन्हें पेश करना है। लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश में भी टीएमसी ममता बनर्जी बाधा बन रही है, और इससे पहले जाहिर तौर पर वो कोशिश कर चुकी है कि एनएचआरसी की इस जांच को रोका जाए, जिसको लेकर वो कोलकाता हाई कोर्ट का रुख भी ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जिसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमेटी का जो गठन किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें चुनाव के बाद 25 लोगों की हत्या हुई है, ये उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, और 15,000 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं जो है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद दर्ज की गई है, 7,000 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। तो आपको बता दें कि एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में ये राजनीतिक हिंसा हुई है। ये गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने खुलासा किया है, जो कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो बंगाल हिंसा को लेकर लगातार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच कर रही है, जिसमें ममता बनर्जी लगातार बेनकाब हो रही है और लगातार घिरती नजर आ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट अब एनएचआरसी की टीम पर निकाली जा रही है। लेकिन एनएचआरसी की जो टीम बंगाल के दौरे पर है वो लगातार बंगाल हिंसा की हकीकत को देश के सामने रख रही है। तो फिलहाल जो एनएचआरसी की टीम पर हमला हुआ है, अब टीएमसी को कहीं ना कहीं इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट को अगर कानूनी सहमति मिल जाएगी तो उसके बाद अगर केंद्र ने आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि टीएमसी जिस तरीके की गुंडागर्दी कर रही है, अब अगर एनएचआरसी की टीम पर भी हमला किया जाता है तो एक्शन एएफएसपीए में लिया जा सकता है, ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। तो मुश्किलें टीएमसी की बढ़ रही है, और भले ही वो वहां लगातार बीजेपी विधायक, बीजेपी सांसद और यहां तक की तमाम आयोग की टीम पर निशाने साध रही हो, लेकिन आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट में एनएचआरसी की यह रिपोर्ट जाएगी, जिसके बाद बड़ा संज्ञान ममता बनर्जी पर लिया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।